सोशल मीडिया पर डली ये पोस्ट लगातार वायरल हो रही है। दरअसल इस पोस्ट में सुजी जेशन नाम की एक महिला ने असम शहर की स्थिति के बारे में बताते हुए लिखा है कि इस वक्त असम नॉर्थ ईस्ट भारत के इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है। वहां 55 लाख से अधिक लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 2 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन वहां बिजली का कुछ पता नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि वहां मौजूद लोगों को पीने का पानी और भोजन की भारी कमी आ रही है। इसी के साथ बड़ी लैंडस्लाइड होने के कारण मेघालय और मिजोरम रोडवेज के भी सभी परिवहन बंद है। सूची आगे बताती है कि वहां सिलचर नाम का एक छोटा सा कस्बा आपात स्थिति का सामना कर रहा है, साथ ही वहां जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। वहां के हालात इतने खराब हैं कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहां शव पानी में तैर रहे हैं। दाह संस्कार तक के लिए कोई जगह नहीं है। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए आधी रात को करीबन 30 से ज्यादा डकैत बंदूक और चाकू के साथ शहर में घूम रहे होते हैं। साथ ही इस पोस्ट में असम के हालात को दर्शाती कुछ तस्वीरें डाली गई हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर जरूर देखें। इस पोस्ट के माध्यम से ये विनती की गई है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जाए, ताकि वहां मौजूद लोगों की कुछ मदद हो सके। न्यूज रूम से आंचल मित्तल की रिपोर्ट।